जब हम कहते हैं चलिए तो चलिए तो का बहुत ही अधिक महत्व है। ये एक ऐसा वाक्य है जो आपके अंदर क्रांति ला सकता है। ये केवल वाक्य नहीं, ये मंत्र है, आपके अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाने का मंत्र है। चलिए तो अधिकांश लोग चलना आरंभ ही नहीं करते, वो उसी जगह स्थिर रहते हैं जहां थे वहीं रहते हैं, और ये उनको पता नहीं होता है कि ऐसा हो रहा है, कि वो नहीं जानते हैं कि वो चल नहीं रहे। उनको तो लगता है कि वो बहुत चल रहे हैं, लेकिन वो चलते नहीं, वहीं गोल गोल घूमते हैं। चलना तो एक रेखा के साथ होता है, सीधे चलना, दाएं बाएं देखना जरूर, दाएं बाएं देख करके उससे समझना जरूर, मगर मुड़ना नहीं। ऐसी आपकी दृष्टि हो, ऐसा आपका आत्मचिंतन। और अगर ये मंत्र आपको कंठस्थ हुआ, और कंठस्थ ही नहीं, आप अनवरत इस पर ही चले, तो चलिए तो का अर्थ वास्तव में क्या है आपके लिए आप खुद जान जाएंगे। एक जगह बात आती है, सफलता का एक और मंत्र आता है, वेनी विडी विसी, आई केम आई सा एंड आई कांकर। ऐसा कैसे होता है, कभी सोचा है कैसे होता है कि ये कह सके कोई आई केम मैं आया, आई सा इतना ही समय लगा, वो आया उसने देखा, आई सा एंड आई कांकर्ड और वो जीत गया। वेनी विडी विसी, ये संभव है? आपको लगता होगा कि ये संभव नहीं है, लेकिन ये दुनिया में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने सिद्ध करके दिखाया है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है, बड़े बड़े सेनापतियों ने करके दिखाया है। और जीवन, ये जीवन आपका एक युद्ध ही तो है, सतत युद्ध, अनवरत युद्ध, बाहर से और अंदर से भी। लेकिन इसमें बाहर जब आप देखते हैं और जो भी देखते हैं, और अपने कार्यों के, अपने उत्थान के लिए बाहर की यात्रा करते हैं, तो अगर धार्मिक हो गए तो तमाम तरह के कर्म कांड करते हैं, जिस भी धर्म मजहब संप्रदाय के मानने वाले होंगे आप उस अनुसार तरह तरह के कर्म कांड करते हैं, तरह तरह की आस्थाएं रखते हैं, तरह तरह के विश्वास रखते हैं, और उन्हीं आस्थाओं से आप बाहर की यात्रा करते रहते हैं, बाहर भटकते रहते हैं, और बार बार उन यात्राओं को करते हुए कभी किसी धार्मिक स्थल में गए, कभी किसी पूजा स्थल में गए, कभी पूजा की, कभी नमाज अदा किया, कभी चर्च में गए, कभी घर में तरह तरह के संस्कार किए, लेकिन यात्रा आपकी बढ़ी नहीं। बढ़ी तो इतनी सामान्य कि वो उल्लेख करने योग्य नहीं रही।
क्योंकि आप तो बाहर की ही यात्रा कर रहे थे। हम जो आपको बार बार कहते हैं चलिए तो उसका मुख्य आधार है और मुख्य बल है कि चलिए तो जो आप बाहर की यात्रा में चलते हुए दिख रहे थे वो उस चलिए तो का सही अर्थ नहीं था। आप अंदर तो चले ही नहीं, अपने अंदर तो झांके ही नहीं। आपके अंदर कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है, कौन सी ऊर्जा है, ये तो आपने देखा ही नहीं। अपनी ही ऊर्जा की तलाश आप बाहर करते रहे। मैं उदाहरण दूंगा एक विद्यार्थी का। विद्यार्थी एक वो होता है जो लगातार स्वयं से बात करता है, अपने आप से बात करता है और अपनी उन त्रुटियों को ढूंढ लेता है जिसके कारण वो कमजोर था। अपनी शक्तियों को भी पहचान लेता है जिन पर चल करके वो और आगे जाता है। अब उसने अपने अंदर की यात्रा की, वो इसमें नहीं डूबा कि बाहर कौन विद्यार्थी कैसा है, कौन अध्यापक कैसा है, कौन उसके माता पिता कैसे हैं, कौन पड़ोस में भाई बंधु कैसे हैं। उसने अपने अंदर की ही यात्रा की और देखा कि उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या चीज़ें हैं। नेगेटिव को उसने दूर करना आरंभ किया, पॉजिटिव को और स्ट्रेंथन करना आरंभ किया और वो जो पॉजिटिविटी थी वो इतनी बढ़ गई कि वो ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया। अथाह ऊर्जा उसके अंदर जो पहले विद्यमान थी उसको उसने पहचान लिया और केंद्रित हो करके बिना डाइवर्ट हुए, बिना बाहर भटके हुए, वो उसी ऊर्जा को लेकर के उठने लगा, बढ़ने लगा, चलने लगा और उसका सार्थक हुआ। उसने अपने आप से कभी कहा था चलिए तो, अपने आप से प्रश्न किया था, उसका उत्तर उसी को मिलता रहा। एक विद्यार्थी दूसरा भी होता है, दूसरा विद्यार्थी करता है, अच्छा मुझे ये विषय पढ़ने हैं, अच्छा इन विषयों को दूसरा जो हमारा मित्र है वो कैसे पढ़ता है, हमारा जो सहपाठी है वो कैसे पढ़ता है, और हमारे विद्यालय में जो ये या हमारे कक्षा में जो ये विद्यार्थी हैं जो बड़े होशियार चलते हैं, जरा देखें कि वो कैसे पढ़ते हैं। हमारे अध्यापक कुछ तो अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। फिर आपस में विद्यार्थी विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे कि क्या करें, कैसे करें, परिवार में बात करेंगे, पुस्तकों में जो पुस्तकें उनके पास हैं उनसे मन भरेगा नहीं, फिर कहेंगे कि अगर इन पुस्तकों से, क्योंकि एक ही विषय के बहुत लेखक होते हैं, अलग अलग लेखकों की पुस्तकें पढ़ेंगे और इस तरह से वो भटकते रहेंगे और उनकी जो ऊर्जा है वो भटकती हुई ऊर्जा कभी विस्फोट नहीं करती है। विस्फोट तो आपने सुना होगा परमाणु बम का, जो एटम होता है वो इतनी सूक्ष्म इकाई है कि वो एलिमेंट्स से, तत्व से बहुत बहुत छोटी है, अंदर इकाई है एटम। और जब एटम और एटम एक दूसरे पर स्ट्राइक करते हैं तब विस्फोट होता है और विस्फोट से परमाणु बम बनता है, अथाह ऊर्जा बनती है। हाइड्रोजन बम में भी एक क्रिया होती है, वो क्रिया हाइड्रोजन और हीलियम दो एलिमेंट्स हैं,
उनके आपस में मिलने से एनर्जी निकलती है। अथाह ऊर्जा, इस तरह चाहे एटॉमिक फिशन हो चाहे फ्यूजन हो, दोनों स्थितियों में बहुत ही अंदर तक की यात्रा हुई है। जब तक हम मॉलिक्यूल्स में भटक रहे थे, एलिमेंट्स में भटक रहे थे, कंपाउंड्स में भटक रहे थे, तब तक हम एटम में पहुंचे ही नहीं थे। तो इसलिए बड़ी सूक्ष्म यात्रा है आपको अपने आप के अंदर। तो मेरा संदेश है कि चलिए, तो वहां चलिए, वहां जाइए, वहां पहुंचिए और फिर वहां अंदर दौड़ लगाइए। ये ध्यान के लिए भी जरूरी है, मेडिटेशन के लिए भी जरूरी है, अंदर ही जाना जरूरी है, लेकिन ये आपकी उन्नति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। चाहे आप व्यापारी हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे किसान हों, चाहे राजनेता हों, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हों, लेकिन बहुत ही आवश्यक है कि वो आपकी यात्रा एकाग्रचित हो, आप अपने को पहचाने और पहचान के साथ यात्रा करें तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। जिस क्षेत्र में आप और अधिक अपने को पहचानते हुए काम करेंगे उसमें ज़्यादा सफल होंगे, क्योंकि कई बार अंदर की यात्रा से ही पता आपको चलता है कि आप का ये क्षेत्र तो निगेटिव है, इस क्षेत्र में तो आपका मन कम लगता है, और बाहर के वातावरण से आपने उसी क्षेत्र को चुन लिया जहां आपके अंदर न ऊर्जा उतनी थी, न वो इंटरेस्ट था। तब आपकी परफेक्ट जो यात्रा होती है अंदर की वो हुई नहीं थी। इसलिए आइए चलें और चलते रहें, मगर केवल बाहर नहीं, अंदर की यात्रा के साथ। और फिर मैं कहूँगा, उठिए, जागिए, चलिए, तो और फिर मिलेंगे। और इसी आशा के साथ, इस चलिए तो में आपके अंदर कहीं ना कहीं यात्रा आरंभ हुई या यात्रा बहुत तेज़ी से चलती हुई आपको किसी मंजिल तक ले जा रही है, आपको शुभकामनाएं।